अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसके रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ कैसे सेफली और इफेक्टिवली कम कर सकते हैं। मैं डॉक्टर शिल्पी पिदानी हूँ, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एस बी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। अनवांटेड फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत कॉमन है आजकल और इसका जो मेजर रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हम देख रहे हैं वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, सो PCOS, या बहुत लोग इसको PCOD के नाम से भी जानते हैं। सो बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है और उसमें क्या होता है कि जो मेल हार्मोन्स हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं बॉडी में, जिसके कारण फेशियल हेयर ग्रोथ आ जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हार्मोनल इम्बैलेंस आपको हमेशा आपके ब्लड रिपोर्ट्स या टेस्ट रिपोर्ट्स में दिखे। बहुत बार क्या होता है कि थोड़ा भी नॉर्मल हाई भी अगर रहे तो आपकी जो हेयर है फेशियल हेयर वो बेसिकली सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं इन हार्मोन से और वो कोर्स हेयर में बदल जाते हैं। बहुत बार ये भी देखा गया है कि जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे अगर आपके मदर के फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा है या ग्रैंड मदर के फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो भी आप इसके ससेप्टिबिलिटी आपकी ज़्यादा हो सकती है कि आपको भी हेयर ग्रोथ आए। अब हम बात करते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें से बहुत बार तो बहुत लोग तो ये सोचते हुए आते हैं कि ये परमानेंट इलाज है और एक बार करा लें एक सिटिंग और फिर छुट्टी, फिर कुछ नहीं कराना है। बहुत बार बहुत सारे लोग वेल रिसर्च होते हैं और उनको पता होता है कि हम क्या ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन हम जब हम समझाते हैं पेशेंट्स को कि भाई हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्या जर्नी रहेगी हेयर ग्रोथ की, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन सही होनी चाहिए जब भी आप हेयर रिडक्शन के प्रोसेस में जाएं। अब कॉमनली जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास वो या तो वैक्सिंग कर रहे होते हैं या थ्रेडिंग कर रहे होते हैं या कुछ प्लकिंग कर रहे होते हैं, तो ये तीन जो हैं वो बहुत कॉमनली कर रहे होते हैं लोग फेशियल हेयर रिमूवल के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इनको करने में? प्रॉब्लम ये है कि जब हम इन मेथड्स को अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, एवरी थर्ड डे, और इवन सम वुमेन विल आल्सो प्लक इट एवरी डे। वैक्सिंग आपको हर वीक कराना पड़ रहा है या 10 दिन में कराना पड़ रहा है, थ्रेडिंग आप ऑलमोस्ट 4th-5th डे या वीकली या मे बी 10 डेज पे करा रहे हैं, और उसके बाद भी प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत जल्दी हेयर ग्रोथ वापस आ जाती है, और अगर आती भी है, मान लीजिए क्लीन भी हो गया फेस, तो 2-3 दिन तक तो क्लीन रहता है, उसके बाद एक खुरदुरापन रफनेस सी रहती है फेस पे। और अगर कुछ लोग जो शेविंग कर रहे हैं उनमें क्या होता है कि एक ग्रीनिश कलर का टिंज आता है स्किन पे, वो बेसिकली हेयर फॉलिकल्स का होता है। तो ये कॉमन उपाय छोड़ के हम क्या कर सकते हैं? सो जो हम अपने क्लिनिक में करते हैं वो है लेज़र हेयर रिडक्शन। ये एक इफ़ेक्टिव और सेफ टेक्निक है फेशियल हेयर को कम करने के लिए। ऑफकोर्स अगर आपको PCOS है और अगर उसकी मेडिसिनल ट्रीटमेंट ज़रूरी है तो वो तो आपको करवानी ही चाहिए, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर हेयर ग्रोथ एक बार आ गई और कोर्स हेयर ग्रोथ आ गई तो वो बहुत आसानी से सिर्फ मेडिसिन से नहीं जाएगी। आप ग्रोथ में भी कंट्रोल कर सके वंस यू अंडरगॉन फ्यू लेज़र सेशंस, तो अगर आपका हार्मोनल कंट्रोल होता है तो लॉन्ग लास्टिंग होगा, लेकिन आप सिर्फ हार्मोनल ट्रीटमेंट से हेयर ग्रोथ को कम कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो हम क्या करें इसके लिए? लेज़र हेयर रिडक्शन एक इफ़ेक्टिव उपाय है। लेज़र हेयर रिडक्शन बेसिकली अगर हम टेक्निक को समझना चाहें सिंपल वर्ड्स में, तो लेज़र क्या करता है? लेज़र बेसिकली एक लाइट एनर्जी है और इसका टारगेट कलर स्पेसिफिक होता है, मतलब कुछ एक कलर को ये टारगेट करेगा। जो लेज़र हेयर रिडक्शन वाले लेज़र्स होते हैं वो डार्क कलर को टारगेट करते हैं, मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ, अगर मान लीजिए हमने हेयर को टारगेट किया तो सिर्फ हेयर बर्न होगा, अगर आप एक मान लीजिए काले कपड़े या काले किसी भी सर्फेस पे वो लेज़र फायर करेंगे या डार्क ब्राउन या डार्क ब्लू सर्फेस पे फायर करेंगे तो वो एरिया भी बर्न होगा, मतलब लेज़र कलर स्पेसिफिक है। पहली बात तो ये, हम इसलिए ये जो कलर स्पेसिफिसिटी है ये इसका इम्पॉर्टेंट जो जो क्वालिटी है इसकी, उसको फोटो थर्मोलिसिस कहते हैं, मतलब ये स्पेसिफिकली जाके उस कलर को टारगेट करके उसको हीट करके बर्न करके कमज़ोर बनाता है। सो बेसिकली हम यहाँ पे हेयर रूट्स को टारगेट कर रहे हैं, हेयर रूट्स बर्न हो रहे हैं और वो वीक हो रहे हैं। तो इसलिए जब हम बात करें हेयर फॉलिकल्स की, वो फॉलिकल का स्ट्रक्चर आपके स्किन का स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रक्चर तो ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन हेयर रूट्स वीक हो रहे हैं और हर सेशन में ये प्रोग्रेसिवली वीक होते जाते हैं। इसलिए लेज़र हेयर रिडक्शन का जो इफ़ेक्ट है आपको फर्स्ट सेशन से ही दिखाई देता है, बिकॉज फर्स्ट सेशन में ही वो हेयर रूट्स जो हैं वो बर्न हो गए और उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। इसलिए जब हम रिपीटेडली इनको वीक करते हैं
फॉर एग्जाम्पल एवरी मंथ जब आप सेशन कराते हैं तो ये रिपीटेडली वीक होते जाते हैं, उनकी ग्रोथ स्लो होती जाती है, सॉफ्ट होती जाती है, जो हेयर पहले कोर्स थे, टफ थे, वो धीरे धीरे करके सॉफ्ट हो जाएंगे, कलर में वो वीक हो जाएंगे, डार्क ब्लैक था तो वो धीरे धीरे करके ब्राउन हेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे और ना के बराबर नज़र आएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको जो है कंप्लीट ट्रीटमेंट आप इसका कराएं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहला सवाल होता है पेशेंट्स का कि डॉक्टर कितना पेन होगा, क्या बहुत पेनफुल तो नहीं है, हमने सुना है लेज़र बहुत पेनफुल होता है। तो ये मिथ है, लेज़र पेनफुल नहीं है। ऑफकोर्स जब हम कोई भी स्ट्रक्चर बर्न करेंगे तो थोड़ा सा स्टिंग या हल्का सा जैसे जलने का जो थोड़ा सा एहसास है वो हो सकता है, और इफ़ेक्टिवनेस के लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बहुत कम बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली हम बहुत अगर अच्छी एनर्जी नहीं यूज़ कर रहे तो क्या होगा कि इफ़ेक्ट भी कम आएगा। तो आपको ये समझना है कि एक स्पेसिफ़िक एनर्जी हमें यूज़ करनी है और वो हर पेशेंट के लिए हम कस्टमाइज़ करते हैं। तो पेनफुल नहीं है, हल्का सा स्टिंग हो सकता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके आपको फ्यूचर सेशंस में कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आपका जो कलर है हेयर का वो कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली बर्न भी कम होगा तो पेन भी कम होगा। और जब हम देखते हैं कि ठीक है बहुत ज़्यादा कोर्स हेयर हैं और शायद आपको मे बी वो स्टिंग जो है वो अनकम्फर्टेबल हो, तो नंबिंग क्रीम भी होती है जिसको हम 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करके और फिर ये सेशन कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता। दूसरा सवाल होता है पेशेंट्स का कि डॉक्टर बर्न तो नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? तो इसका भी जवाब इसके जो प्रॉपर्टी है फोटोथर्मोलिसिस जो हमने बताया वो उसी पे डिपेंडेंट है। मतलब कि अगर आपकी स्किन डार्क है और हेयर भी डार्क है तो ऑब्वियसली एक कॉम्पिटिशन होगा स्किन और हेयर में कि लेज़र को कौन ज़्यादा अब्जॉर्ब करे। तो हम अकॉर्डिंगली लेज़र की सेटिंग डार्क स्किन के हिसाब से रखते हैं। अगर आपकी स्किन लाइट कलर्ड है और हेयर डार्क है तो उसके हिसाब से हम सेटिंग रखते हैं। तो ऑब्वियसली स्किन को ध्यान में रखते हुए लेज़र की सेटिंग्स डिसाइड होंगी, और ये हम हर सेशन में डिसाइड करते हैं प्रोग्रेसिवली। जैसे आपका हेयर चेंज होता जाएगा वो सेटिंग्स भी आपकी चेंज होती जाएंगी। अब हम बात करते हैं सेशन के ड्यूरेशन की। टिपिकली अगर आप मल्टीपल एरियाज ऑफ फेस करा रहे हैं तो आपका एक सेशन 20 मिनट से भी कम का होता है, और ये क्विक इन एंड आउट प्रोसीजर है। डाउन टाइम कितना है? ऑलमोस्ट ना के बराबर। थोड़ी रेडनेस हो सकती है, थोड़े बहुत बम्प्स आ सकते हैं, कभी कुछ पेशेंट्स को जिनकी ऑयली स्किन है और एक्ने प्रोन स्किन है उनमें कुछ एक्ने इरप्ट हो सकते हैं, जो कि उसके लिए भी हम ऑफकोर्स गाइड करते हैं, मेडिकेशंस बताते हैं ताकि आपको एक्ने की प्रॉब्लम ना हो, और अगर हुई है तो वो कैसे जल्दी ट्रीट हो जाए। अब हम बात करते हैं कि कितने फ्रीक्वेंटली। यूजुअली हम बताते हैं अपने पेशेंट्स को कि एवरी मंथ आप एटलीस्ट 4 सेशन के लिए एवरी मंथ आएँ, उसके बाद हम उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि थ्रेडिंग या वैक्सिंग करा रहे हैं और वीकली या 10 डेज में अगर आप करा रहे हैं, तो हमने फर्स्ट सेशन जब किया उसके बाद जब एक महीने के बाद भी पेशेंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर बहुत सारी ग्रोथ तो वापस आई ही नहीं। और ये भी होता है, एक्सफोलिएशन का प्रोसेस भी होता है, मतलब आपने अगर लेज़र कराया और उसके अगले दिन आपको लगने लगा कि अरे हेयर ग्रोथ तो वापस से शुरू हो गई, लेकिन क्या होता है कि जो रूट्स हैं वो पुश आउट हो रहे होते हैं और वो 5-6 दिन में अपने आप ही गिर जाते हैं, उसको एक्सफोलिएशन कहते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है लेज़र के बाद। तो एक महीने के बाद आपने लेज़र कराया, इस तरह से हम 3-4 महीने तक मंथली सेशंस रखते हैं यूजुअली। उसके बाद 4 महीने के बाद वाला जो सेशन है वो 6 वीक्स या 2 मंथ्स के बाद हो सकता है। इसके बाद आपके हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप थोड़ा डिले भी कर सकते हैं अपने सेशंस, फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स, 2.5 मंथ्स, 3 मंथ्स तक। लेकिन ये मैं रिकमेंड करती हूँ पेशेंट्स को कि जब हेयर ग्रोथ वापस आने लगे, आपको दिखने लगे कि हेयर ग्रोथ वापस आ रही है, तो आप उस समय आके अपना मेंटेनेंस सेशन ले लें। टिपिकली हम ये देखते हैं कि स्पेशली जिन पेशेंट्स में PCOS की प्रॉब्लम है उनमें हार्मोनल कंट्रोल पे भी डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी आपका हेयर ग्रोथ वापस आ रहा है, बट यूजुअली वो उतना कोर्स और टफ हेयर नहीं आते जितने कि हमने जिसमें शुरू किया था लेज़र। सो ऑब्वियसली जो हेयर की क्वालिटी है वो परमानेंटली चेंज हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं परमानेंट हेयर रिडक्शन, ना कि परमानेंट हेयर रिमूवल, क्योंकि हेयर ग्रोथ धीरे धीरे करके वापस आती है और ये नेचुरल प्रोसेस है। बहुत बार क्या होता है 20% पेशेंट्स में हमने देखा है कि कुछ एरिया के हेयर बिल्कुल ना के बराबर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत बार हम देखते हैं कि साइड लॉक्स का एरिया, इट हैज़ अ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स टू हेयर रिडक्शन, एंड यूजुअली 4th-5th सेशन के बाद बहुत ही ना के बराबर हेयर आते हैं। चिन का एरिया, अपर लिप का एरिया, यू मे नीड मोर मेंटेनेंस सेशंस। लेकिन एक टिपिकल सक्सेसफुल हेयर रिडक्शन प्रोसेस के बाद हम ये कह सकते हैं कि आपको 3-4 मंथ्स में एक बार लेज़र हेयर रिडक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन उसमें भी अगर मान लीजिए कि आप किसी वजह से नहीं आ पा रहे हेयर रिडक्शन कराने,
तो आप अगर शेव करेंगे तो आपकी स्किन स्मूथ रहेगी, वो पेबली अपीयरेंस या जो दाने दाने वाली जो अपीयरेंस होती है टिपिकल शेविंग के बाद वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपके हेयर परमानेंटली सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसलिए ये स्किन के लिए भी अच्छा है। जैसे आप अगर वैक्सिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, एक तरह से ये स्किन की इंजरी, स्किन को पुल कर रहा है या हॉट वैक्स से बर्न हो जाता है। जब थ्रेडिंग हम करते हैं तो हमने, वो भी एक ट्रॉमा है, जैसे हमने हेयर को प्लक किया तो उसके कारण क्या होता है, आप देखेंगे कि बहुत बार आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी, पहले मान लीजिए आपने महीने में एक बार कराना शुरू किया, बाद में वो 15 दिन हो गया, फिर कभी कभी वीकली, क्योंकि उसकी हेयर ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ती जाती है। आप बार बार वो जो इंजरी कर रहे हैं उससे बॉडी जो है वो ब्लड सप्लाई बढ़ा रही है। ये लेज़र हेयर रिडक्शन में नहीं होता, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव वीकनिंग का प्रोसेस है। तो ये एक ओवरव्यू था लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स डरते हैं और वो अलग अलग तरीके की चीज़ें अपनाते हैं। बहुत लोग ब्लीच करते हैं, जो कोर्स हेयर हैं वो ब्लीच भी नहीं होते, ये भी प्रॉब्लम है। सो ये जो साइकिल है, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, प्लकिंग, ब्लीचिंग, इससे निकालने का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है लेज़र हेयर रिडक्शन। एंड द लेज़र्स आर वेरी इफेक्टिव, और आप अगर देखेंगे तो ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है आपके लिए, क्योंकि आपकी रिपीटेड पार्लर विजिट्स, रिपीटेड जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं मिरर के सामने प्लकिंग थ्रेडिंग करते हुए, आपने कोई फंक्शन के लिए एक अच्छी ड्रेस पहनी है लेकिन आप फेशियल हेयर के लिए वरिड हैं, तो ये सब वरीज और साइकिल से आपको फ्रीडम दिलाएगा लेज़र हेयर रिडक्शन। इट्स सेफ, इफेक्टिव। सो इफ़ यू हैव क्वेश्चंस अबाउट लेज़र हेयर रिडक्शन, यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आपको अगर लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।